वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी 2022 एंड एमएससी लाइफ साइंसेज के रिगार्डिंग। पार्ट 16 है ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का। इससे पहले की वीडियोस में हम 15 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसके अंदर हमने बहुत सारी रिविजन्स डिस्कस की है अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे कि एनिमल साइंसेज एंड प्लांट साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, तो वो सब भी आप देख सकते हैं, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बायोलॉजिस्ट विश टू स्टडी द इंटरनल अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट को इंटरनल अल्ट्रास्ट्रक्चर जो होते हैं सेल्स के, अगर वो स्टडी करने हो तो मोस्ट लाइकली वो क्या यूज करेंगे? एक लाइट माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, या फिर यहाँ पे ए, ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर किसी भी बायोलॉजिस्ट को इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सेल्स के वो स्टडी करने हो, तो उस कंडीशन में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज दैट। लाइट माइक्रोस्कोपी के ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की क्या एडवांटेज होती है? लाइट माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड्स फॉर हायर मैग्निफिकेशन देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है वो एक हायर मैग्निफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ज्यादा। सेकेंड ऑप्शन है, लाइट माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड्स फॉर हायर रिजोल्विंग पावर देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। या तो लाइट माइक्रोस्कोपी हायर रिजोल्विंग पावर प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। थर्ड ऑप्शन इज द लाइट माइक्रोस्कोपी अलाउज वन टू व्यू डायनेमिक प्रोसेसेस इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के अंदर जो डायनेमिक प्रोसेसेस होती है, जैसे हमें पता है कि जो लिविंग सेल होती है वो कभी भी ऐसे कांस्टेंट नहीं होती है, स्टैटिक नहीं होती है, उसके अंदर एक्सचेंज, कुछ मटेरियल इन कुछ मटेरियल आउट चलते रहते हैं, तो वो डायनेमिक होती है सेल, तो उसके अंदर डायनेमिक प्रोसेसेस चलती रहती है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी अलाउ करती है कि जो डायनेमिक प्रोसेसेस चल रही है लिविंग सेल्स के अंदर वो देख सके, या तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो जो एडवांटेज होती है लाइट माइक्रोस्कोपी की ओवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये क्या करती है, जो डायनेमिक प्रोसेसेस होती है लिविंग सेल्स के अंदर उसको अलाउ करती है कि वो लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम वो भी देख सके। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज टू। ठीक है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है सेल फ्रैक्शनेशन का, व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या तो आइडेंटिफाई द एंजाइम्स आउटसाइड द ऑर्गेनल्स, डिटरमाइन द साइज ऑफ वेरियस ऑर्गेनल, एंड डी ऑप्शन इज द सेपरेट द मेजर ऑर्गेनल्स सो दैट देयर पर्टिकुलर फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, हम सेल की फ्रैक्शनेशन करते हैं, अलग अलग जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं सेल के, या फिर ऑर्गेनल, या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अपने कई ऐसे होते हैं फ्रैक्शनेशन, जो अपने वेट के अकॉर्डिंग, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनका फ्रैक्शनेशन हो जाता है, बट जाते हैं वो अलग अलग। तो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सेल फ्रैक्शनेशन का, ये क्या होता है? तो इसके लिए इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है कि जो मेजर ऑर्गेनल है उनको सेपरेट किया जाए सो दैट देयर पर्टिकुलर फंक्शंस कैन बी डिटरमाइन, एंड उनका जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको डिटरमाइन किया जा सके। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द ऑर्डर इन विच सेलुलर कंपोनेंट्स विल बी फाउंड इन द पैलेट when homogenized cell are treated with increasingly rapid spins in a centrifuge। ठीक है, centrifuge के अंदर क्या होता है,
इसके अंदर रैपिडली स्पिन करते हैं, जो भी यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब लगाते हैं वो रैपिडली स्पिन करते हैं, घूमते हैं बहुत ज्यादा। तो इसके अंदर पूछा है कि यहाँ पे करेक्टली हमें लिस्ट बताना है जिसके अंदर इन ऑर्डर इन विच सेलुलर कंपोनेंट विल बी फाउंड इन पैलेट व्हेन होमोजेनाइज सेल्स आर ट्रीटेड विद इंक्रीजली रैपिड स्पिन इन अ सेंट्रीफ्यूग। लाइक ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है और इसके अंदर हमने क्या लिया है, सेलुलर कंपोनेंट लिए थे। अब इन सेलुलर कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे क्या होता है, अब कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वेट एंड साइज के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। कुछ होते हैं जो कि ऊपर की तरफ रहते हैं, कुछ जो होते हैं ऊपर की तरफ रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये सुपरनेटेंट होता है, और जो नीचे बैठ जाता है उसको पैलेट बोलते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि ये जो कंपोनेंट है विल बी फाउंड इन पैलेट, इस पैलेट के अंदर कौन से कंपोनेंट पाए जाएंगे, और ये कंपोनेंट जब इंक्रीजिंग इनका रैपिड स्पिन है सेंट्रीफ्यूग के उसके बेस पे, राइबोसोम, न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और वैक्यूल्स, दीज द न्यूक्लियर राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट, दीज द न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। तो हमें बताना है कि इस पैलेट के अंदर कौन से यहाँ पे सेलुलर कंपोनेंट या फिर ऑर्गेनल मिलेंगे। तो इसके अंदर जो है, इस पैलेट के अंदर मिलेंगे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम इस पैलेट के अंदर मिलेंगे। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है किसी भी सेलुलर कंपोनेंट का, तो उस कंडीशन के अंदर कुछ जो ऑर्गेनल होते हैं, कुछ जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं वो सुपरनेटेंट में चले जाते हैं, कुछ पैलेट में चले जाते हैं। ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपकमिंग। तो डी यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स दैट स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स जो कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, एंड ये स्पेशलाइज्ड होते हैं कि ये क्या करें, फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करें, जैसे लिपिड्स हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स या फिर स्टेरॉइड्स हो गए। तो इनमें से हमें बताना है कि जो ये राइबोसोम्स हैं जो कि सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा होगा, प्रोटीन्स होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरोइड्स। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि ऑयल्स, फोस्फोलिपिड्स एंड स्टीरोइड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन्स के अंदर होता है, लाइसोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनके अंदर जो ऑयल्स, लिपिड्स एंड स्टीरोइड्स बनाने के में की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी ऑर्गेनल को बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टे-सैक्स डिजीज इज अ ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी दैट रिजल्ट इन द सेल अक्यूमुलेटिंग एंड बिकम क्लॉग्ड विद द वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है, टे-सैक्स डिजीज जो है ये लिपिड्स की एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड डिजीज होती है, एंड इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे कुछ इंजाइम्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन हो जाता है लिपिड्स का। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल है जो कि इस मस्ट बी इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन, कि इस कंडीशन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉजी अपरेटस या फिर लाइसोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसा जो ऑर्गेनल होता है, तो इसके अंदर जो लिपिड्स के यहाँ पे अक्यूमुलेशन और क्लॉग्ड हो जाता है, तो ऐसा जो ऑर्गेनल है ये होता है लाइसोसोम। एंड इस टे-सैक्स डिजीज को लाइसोसोमल डिसऑर्डर भी बोला जाता है। बहुत टाइप के लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये टे-सैक्स जो है इसके अंदर एक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड एंड मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड दैट विल बी सिक्रेटेड। ठीक है, कौन सा ऐसा है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि प्रोड्यूस करता है एंड मॉडिफाई करता है पॉलीसेकेराइड्स का, और वो क्या हो जाते हैं फिर, वो
सिक्रीट कर दिए जाते हैं। ऐसा लाइसोसोम है, वेक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या तो गोल्जी अपरेटस है। तो ऐसा टाइप का ऑर्गेनल जो है ये होता है गोल्जी अपरेटस, क्योंकि गोल्जी अपरेटस के अंदर क्या होता है, गोल्जी अपरेटस के अंदर मेनली टैगिंग की जाती है, वहां पे मॉडिफिकेशन की जाती है, पॉलीसेकेराइड्स अटैच किए जाते हैं, एंड उसके ऊपर वो जो टैग लगाया जाता है उसके बेस पे वो अलग अलग डेस्टिनेशंस के ऊपर सिक्रीट किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है, लाइसोसोम, विक्योस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी अपरेटस। अब इन ऑप्शंस में से ये तो होंगे नहीं, लाइसोसोम यहाँ पे राइट आंसर है। लाइसोसोम ऐसा ऑर्गेनल है जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज वन ऑफ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर क्या होता है सेल्स का, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियन, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, अब किसके पास अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं, तो ऐसा टाइप का ऑर्गेनल क्या होगा, लाइसोसोम, विक्योल, माइटोकॉन्ड्रिया फिर गोल्जी अपरेटस। तो ऐसा टाइप का जो ऑर्गेनल होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रियन, सी इज द राइट आंसर, एंड इसको एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोला जाता है, इसी वजह से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्योंकि ये अपना डीएनए है वो खुद सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एंजाइम्स दैट ट्रांसफर हाइड्रोजन फ्रॉम वेरियस सबस्ट्रेट टू ऑक्सीजन, कौन सा ऐसा यहाँ पे है जो कि कुछ एंजाइम्स को कंटेन करता है, एंड उन एंजाइम का काम है ट्रांसफर हाइड्रोजन फ्रॉम वेरियस सबस्ट्रेट टू ऑक्सीजन। तो लाइसोसोम, विक्योल, माइटोकॉन्ड्रियन या तो प्रोक्सीसोम, ठीक है, तो ऐसा टाइप का ऑर्गेनल होता है प्रोक्सीसोम। प्रोक्सीसोम क्या करता है, हाइड्रोजन को यहां से ट्रांसफर करता है वेरियस सबस्ट्रेट से लेके ऑक्सीजन तक, तो डी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनल्स अदर देन द न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए इंक्लूड, ठीक है, ऐसा ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि न्यूक्लियस नहीं है वो, ठीक है, न्यूक्लियस से अदर देन है, जो कि डीएनए अपना खुद का इंक्लूड करता है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही। तो इसमें हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ऐसा होता ही है जिसके पास खुद के राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, तो बी एंड सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन आर वर्चुअली आइडेंटिकल बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इन यूकैरियोटिक सेल एटीपी सिंथेसाइज प्राइमरली ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एटीपी कहाँ सिंथेसाइज की जाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है। वेयर आर कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शंस लाइकली टू अकर इन प्रोकैरियोटिक रेस्पिरेशन, अब हमें पूछा ये गया है कि जो ये कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शंस हैं ये प्रोकैरियोटिक रेस्पिरेशन के अंदर कहाँ होंगी, कहाँ इनके एंजाइम्स पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब हमने कई बार डिस्कस किया है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है या फिर बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर मीजोसोम्स पाए जाते हैं, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स होती है, और इन मीजोसोम्स के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली क्या हुई, ये इनर मेम्ब्रेन की एक मॉडिफिकेशन है और यहाँ पे ही रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑन द इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक रेस्पिरेशन के लिए, फिर प्रोकैरियोटिक रेस्पिरेशन होती है एंड एंजाइम्स भी यहाँ पे इन इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइटोकॉन्ड्रियन लाइक द न्यूक्लियस हैज टू और मोर मेम्ब्रेन लेयर्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी टू और फोर मोर लेयर्स यहाँ पे होती है, विच इज द इनर मोस्ट ऑफ दीज लेयर्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द न्यूक्लियस,
माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो न्यूक्लियस से कैसे डिफर करती है? लाइक न्यूक्लियस के अंदर भी तो दो या फिर इससे ज्यादा मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कैसे उससे डिफर करती है? ए ऑप्शन है द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड, कि ये बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है। सेकेंड ऑप्शन है टू मेम्ब्रेन्स आर बायोकेमिकली वेरी डिफरेंट, या तो ये बायोकेमिकली वेरी डिफरेंट होती है। सी इज द स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लार्ज, कि ये जो स्पेस होता है इन मेम्ब्रेन्स के बीच में ये लार्ज होता है। एंड डी इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन इज सेपरेटेड आउट इनटू थाइलेकोइड्स, या तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रियन की ये जो है सेपरेट की जाती है आउट इज सेपरेटेड आउट इनटू थाइलेकोइड्स, कि ये थाइलेकोइड्स के अंदर ऐसे फोल्ड हो जाती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, थाइलाकोइड्स यहाँ पे नहीं होंगे। तो बचे यहाँ पे ऑप्शन कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, या तो यहाँ पे बायोकेमिकली बहुत डिफरेंट होती है, या तो जो लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये होती है हाईली फोल्डेड, ठीक है? कैसी होती है? हाईली फोल्डेड होती है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज नॉट द माइटोकॉन्ड्रियन क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं क्लासिफाई किया जाता है? क्योंकि इसके पास इट हैज टू मेम्ब्रेन लेयर, इट हैज स्ट्रक्चर इज नॉट डिराइव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि इसका स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव नहीं किया जाता है, या तो इसके पास बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, या तो इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं तो खुद खुद का ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव नहीं किया जाता है, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसको डिराइव नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोक्सीसोम्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ठीक है? प्रोक्सीसोम जो नाम है इसका नाम पड़ा है कि जो इसकी हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ इंटरेक्शन होती है। इफ अ लीवर सेल इज डिटॉक्सिफाइंग एल्कोहल एंड सम अदर पॉइजन्स, ठीक है? अगर कोई लीवर सेल एल्कोहल को एंड कुछ अदर पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करती है, इट डज सो बाय रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। एंड ये ऐसा कैसे करती है? ये हाइड्रोजन को रिमूव करती है मॉलिक्यूल से। व्हाट देन डू द इंजाइम ऑफ द प्रोक्सीसोम डू, तो ये जो इंजाइम है प्रोक्सीसोम के अंदर ये क्या करता है? ये कंबाइन करता है हाइड्रोजन विद एटीपी, या तो यूज द हाइड्रोजन टू ब्रेक डाउन हाइड्रोजन प्रोक्साइड, कि हाइड्रोजन को यूज कर लेता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड को ब्रेक करने के लिए, या तो ट्रांसफर द हार्मफुल सब्सटेंसेस टू टू द माइटोकॉन्ड्रिया, कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर कर देता है, या तो ट्रांसफर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है? क्या करता है? ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो प्रोक्सीसोम का क्या काम होगा यहाँ पे? ट्रांसफर हाइड्रोजन्स टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हमने पहले भी देखा था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोटिब्यूल्स, माइक्रोटिब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट किसके अंदर होता है? सिलिया, सेंट्रियोल, फ्लेजिला, या फिर सिलिया या फिर फ्लेजिला के अंदर। तो इनमें से सिलिया एंड फ्लेजिला के अंदर क्या होता है? 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोटिब्यूल्स का पाया जाता है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस अ माइक्रोट्यूबल स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ बेसल बॉडी, कि कौन सा इनमें से एक माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि बेसल बॉडी से ही सिमिलर होता है वो प्रोवाइड करता है? सेंट्रियोल, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, या तो प्रोक्सीसोम। तो ऐसा जो है ये क्या करता है? सेंट्रियोल होता है। ये सारे ऑप्शंस तो बिल्कुल ही अलग है, तो
तो सेंट्रियोल एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है जो कि वेसल बॉडी से ही सिमिलर होता है। ए इज द राइट आंसर। तो यहां तक हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक और आप जितने जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं या तो फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की भी बुक आती है, वो भी आप खरीद सकते हैं, तो उनसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।